तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं विलास ट्रांसकोर आईपीओ के बारे में। दोस्तों ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं कि इस कंपनी का जो आज के डेट में जीएमपी प्राइस कितना चल रहा है और आपको एक लॉट से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ ही हम कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, क्या इनकी सर्विस है, जहां से इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके साथ ही कंपनी के हम लोग पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में जानेंगे, कंपनी जो यहाँ से फंड उठा रही उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी के हम लोग बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे और इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट रहेगी, उन सभी डेट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी आईपीओ का रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintider.com। आप गूगल में सर्च करेंगे, ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको होम पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप होम पेज पे आएंगे वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए विलास ट्रांसकोर को देखने को मिल जाएगा। ये आईपीओ 27 मई से लेके 29 मई के बीच ओपन होने वाला है, तो आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हम इसका जीएमपी प्राइस चेक कर लेते हैं कि अगर आपको इस आईपीओ की एक अलॉटमेंट मिल जाती है तो उससे आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जीएमपी पेज है, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप जीएमपी पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना होगा विलास ट्रांसकोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 76 रुपए इसका जीएमपी प्राइस चल रहा है। देन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो पर लॉट के अंदर 76,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है जीएमपी के हिसाब से। जैसे जैसे इसकी डेट पास आती जाएगी तो मेरा ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे एक लॉट के अंदर 1 लाख से ऊपर का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी की जर्नी की बात करें, 2006 के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई थी और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर के अंदर है। ये सप्लाई करते हैं कंपोनेंट ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सेक्टर। इसके साथ ही ये ट्रांसफर और पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इंडिया और अब्रॉड के अंदर जो भी इनके प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पे कंपनी सेल करती है। इसके साथ ही कंपनी का जो मेनली बिजनेस मॉडल रहने वाला है वो पावर जनरेशन इक्विपमेंट रहने वाले हैं जिनसे पावर को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्लियरली बताएगा, वी आर मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ डिफरेंट रेंज इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन कोर रोलेड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO लेमिनेशन कोर CRGO स्लॉट कॉइल असेंबल कोर्स। तो मेनली जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कॉइल टाइप के इनके प्रोडक्ट होते हैं और मेनली जो इनका यूज होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज होती है जो आने वाले बड़े पावर्स को छोटे पावर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके साथ ही पावर को ये स्टेबल करने का काम करती है, इसको यहाँ पे ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो ट्रांसफार्मर के अंदर है। कंपनी कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। अभी मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आपको सारा बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अभी तक हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ चुके हैं। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। ये आईपीओ आपको 27 मई से लेके 29 मई के बीच ओपन होते देखने को मिल जाएगा। इस आईपीओ का जो साइज रहने वाला है वो 95.26 करोड़ रहने वाला है और ये पूरा का पूरा आपको फ्रेश इशू देखने को मिल जाएगा। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर आपको 1000 शेयर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही जो आपको फेस वैल्यू मिलने वाली है वो 10 की मिलने वाली है। प्राइस बैंड यहाँ पे 139 से लेके 147 पर शेयर रखा गया है। ये आईपीओ आपको NSE SME एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे पर्सनल कोटा रखा गया है। तो अगर आप रिटेल्स कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 35% का रिजर्वेशन है, QIB पोर्शंस के अंदर 50% का, NNI पोर्शंस के अंदर यहाँ पे 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग लॉट साइज की बात करें तो अगर आप रिटेल के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट के अंदर आपको 1000 शेयर देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको जो अमाउंट पे करना होगा वो 1,47,000 रुपए पे करना होगा। और अगर आप स्मॉल HNI के अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 लॉट आप अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 2000 शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। देन इसके लिए जो अमाउंट आपको पे करनी होगी वो 2,94,000 पे करना होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि कंपनी जो ये पैसा यहाँ से उठा रही मार्केट से वो उस पैसे का कंपनी यहाँ पे करने का वाली है। तो इस पैसे से कंपनी जो पहला काम करेगी वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगी और इसके साथ ही एक्वाइजेशन करेगी, यानी किसी कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करेगी। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के लिए नई बिल्डिंग यहाँ पे बनाने वाले हैं। इसके साथ ही थर्ड पॉइंट के अंदर कंपनी ने बताया कि जो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा इसके अंदर ये लोग एक्वाइजेशन करेंगे, प्लांट यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे और अपने प्लांट के लिए यहाँ पे ये मशीनरीज परचेस करने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो पैसा यूज होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में होगा और जो डेली के कंपनी के एक्सपेंस होते हैं उसके अंदर ये पैसा खर्च होने वाला है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंपनी की इंपोर्टेंट डेट के बारे में बताया जाता है, कब आईपीओ ओपन रहने वाला है और कब ये आईपीओ क्लोज होगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 30 मई को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है और आपका
आपका पेमेंट ब्लॉक कर दिया जाता है, तो 31 मई को पैसा आपका अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाती तो 31 मई के दिन ही आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देन 3 जून को ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल दिए गए 2021-22-23 और 2024 में 4 मंथ की यहाँ पे बैलेंस शीट हमको प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पे आप कंपनी के रेवेन्यू देख सकते हैं, रेवेन्यू के साथ यहाँ पे कंपनी के आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं। एक्सपेंसेस के साइड में आपको पेट मिल जाएगा, तो ये जो भी प्रॉफिट है ये करोड़ में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 करोड़ का प्रॉफिट, 17 करोड़ का प्रॉफिट, 20 करोड़ का प्रॉफिट और यहाँ पे आप देखेंगे तो 7.29 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी के डेट में कंपनी के अंदर हमें पॉजिटिव लग रहा है इसके बैलेंस शीट को देखकर। अभी मैं आपको आगे कुछ टेक्निक बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करके किसी भी आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो 100% चांसेस रहेगा कि उस कंपनी के अंदर आपका इजीली पैसा बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर की बात करें तो अभी तक कंपनी का कोई भी पीयर कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं है। ये पहली ऐसी सिंगल कंपनी है जो मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। अभी दोस्तों हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी किस टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है और कैसे अपना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्ट सेक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोडक्ट सेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है। जो भी यहाँ पे आप इनके प्रोडक्ट देख रहे होंगे ये सारे ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होते हैं और मेनली जो इनके प्रोडक्ट है ये इंडिया में भी कंपनीज को दिए जाते हैं और इसके साथ ही इन प्रोडक्ट को इंटरनेशनली भी सेल किया जाता है और कंपनी का यही बिजनेस मॉडल है। इसकी मदद से कंपनी यहाँ पे पैसा कमाती है। अभी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या आपको इसको अवॉइड करना चाहिए या आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी एसएमई आईपीओ आते हैं मैं सभी के अंदर यही आपको सजेशन देता हूँ कि आपको फर्स्ट डे के अंदर कभी भी किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको किसी भी आईपीओ का जीएमपी मॉनिटर करना है। जीएमपी आप मॉनिटर कर ले देन आपको लगता है भाई सफिशियंट प्रॉफिट है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। देन यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जिस भी आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस आईपीओ को आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए हम लोग ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जिस आईपीओ में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। उसके साथ ही ऐसे आईपीओ में आपको कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है जो से सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अभी आप लोग के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हमको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए मेनली जो फैक्टर आते हैं मैंने आपको बता दिए। पहले आपको जीएमपी प्राइस देखना है, फिर आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना है और कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। देन यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला उस दिन के 3:30 के बाद आपको अप्लाई करना है। 3 बजे इस वेबसाइट के ऊपर भी डाटा आ जाता है तो पूरा डाटा आप अच्छे से रीड कर ले। देन उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो 100% चांसेस रहेगा कि आपका पैसा इजिली बन जाएगा। फिर भी दोस्तों विलास ट्रांसकोर से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।